एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे हॉकी के प्रेमियों को, पूरे खेल प्रेमियों को दिल से बधाई। भारत ने आज 41 साल के बाद हॉकी में ग्रेट जर्मनी को हरा कर 5-4 से जर्मनी को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आप मुझे भी देख रहे हैं कि आज मैं रेल सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। ये हमारी हॉकी जो है वो उत्थान की तरफ है, आज वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है और हम सब खेल प्रेमी बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये जो हमने 41 साल के बाद मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जर्मनी को हरा कर, इस मैच का जो पहला क्वार्टर था वो जर्मनी ने 1-0 से लीड किया था। दूसरा क्वार्टर शुरू होते ही हमने एक गोल करके गोल बराबर कर दिया, लेकिन जर्मनी ने भी गोल किया और उसके बाद हमने फिर अटैक किया और दूसरे क्वार्टर के समाप्ति तक हमने 3-2 से लीड ले ली। तीसरा जो क्वार्टर था वो बहुत अच्छा था, भारत ने 2 गोल और किए और लीड को 5-2 कर दिया, लेकिन जर्मनी ने तीसरे क्वार्टर में गोल करने के बाद फिर एक चौथे क्वार्टर में गोल किया और स्कोर लाइन जो थी वो 5-4 हो गई। दोस्तों, ये मतलब जो आज का जो मैच था हाई टेम्पर मैच था और जो गोल स्कोरिंग था वो हाई गोल स्कोरिंग मैच था। 5-4 से सेमीफाइनल जो क्वार्टर जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसको हमने जीता। आइए हम अगर पीछे के दिनों में चलते हैं तो ये जो हमारा गोल्डन एरा था, मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। भारत ने सबसे पहले 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक जो थे उनमें गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद 1932 लॉस एंजल्स में गोल्ड मेडल जीता, 1936 के बर्लिन में गोल्ड मेडल जीता। ये तीनों ही गोल्ड मेडल की विशेषता ये थी कि तीनों जो होम कंट्री थे उनको हमने फाइनल में हराया था। इसके बाद वो दौर था हमारे लीजेंड ध्यानचंद जी का। इसके बाद 1944 में तो टीवी सिद्ध के कारण खेल नहीं हुए, लेकिन जब 1948 में दोबारा जो ओलंपिक खेल हुए तो वो लंदन में हुए, ग्रेट ब्रिटेन में हुए। हमारी भारतीय टीम बहुत उत्साहित थी और हमने वहाँ जाकर ग्रेट ब्रिटेन को हराकर गोल्ड मेडल लिया। 1952 के हेलसिंग ओलंपिक में भी हमने गोल्ड मेडल लिया। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भी जो मेलबोर्न में खेले गए थे उसमें हमने अपने चिरपरिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा कर 1-0 से हरा कर गोल्ड मेडल लिया। ये हमारा लगातार ओलंपिक खेलों में 6वां गोल्ड मेडल था। 1960 के जो ओलंपिक थे रोम ओलंपिक, उसमें हम पाकिस्तान से फाइनल में हार गए और हमको पहली बार रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल मिला। लेकिन 1964 का ओलंपिक जो टोक्यो में ही हो रहा था, जहाँ इस समय 2020 हो रहा है, वहाँ टोक्यो में हो रहा था, हमने वहाँ एक बार फिर पाकिस्तान को हरा कर गोल्ड मेडल लिया। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में हम एक बार रजक्रम को गोल्ड मेडल नहीं मिला। 1972 में म्यूनिक में हमने जो था वो ब्रॉन्ज मेडल लिया और 1980 जो था मास्को ओलंपिक उसमें हमने एक बार फिर गोल्ड मेडल लिया। तब से लेकर 2021 का जो सूखा था वो भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय रणमाकुरों ने ख़त्म किया। और दोस्तों, समस्त देशवासियों को इस वीडियो के साथ मैं दिल से बधाई देता हूँ कि हमने हॉकी में अपने गोल्डन एरा की शुरुआत कर दी है। हमारी महिलाएं भी जो हैं वो कल ग्रेट ब्रिटेन से खेलेंगी कांस्य पदक के लिए मैच, और जो ये मेडल है ये एक नया उत्साह है। नई ऊर्जा के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जगदेव।